नमस्कार दोस्तों, क्रिकेट भी सचिन बोल रहा हूँ। फिर से एक बार आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा स्ट्रेट ड्राइव की कुछ ड्रिल्स जो कि आप बहुत आसानी से घर में खुद कर सकते हैं या अपने बच्चों को करा सकते हैं। दोस्तों, इस चैनल में अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस जरूर करना ताकि आने वाले सारे वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। चलो आपको सीधे ग्राउंड पर ले चलते हैं। यह है स्ट्रेट ड्राइव शैडो ड्रिल। इसको आप शुरुआत में, जैसे कि पहले भी मैंने बताया था, एक शैडो ड्रिल है और इस तरह से बच्चे को आप अच्छी तरह से शैडो ड्रिल करा सकते हैं। नेक्स्ट ये भी शैडो ड्रिल है। इसमें हल्का सा आपका सिर्फ स्टंप एक उसके सामने रख के उसके सिदाई में आप इस तरह से ड्रिल करा सकते हैं। लेफ्ट साइड में उसका पैर सीधा और सीधे से बल्ला सीधा आना चाहिए। कुछ गलती कर रहा है ये भी हल्का सा, बिल्कुल जो बल्ला है वो चेहरे के सामने आना चाहिए। हालांकि इसका बल्ला नहीं आ रहा अभी भी, ये गलती कर रहा है थोड़ी सी। इसको मैं धीरे धीरे सिखा रहा हूँ। इस तरह से ये शैडो ड्रिल किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट आता है कोन ड्रिल। आप इस तरह से कोन को रख के, अगर आपके पास कोन नहीं है अवेलेबल, तो बोतल का ऊपर वाला हिस्सा काट के आप ऐसे बना सकते हैं। इस तरह से इसमें पूरा बल्ला सीधा होना चाहिए। देखिए, पूरी जो हम शैडो ड्रिल करते हैं उसी से आगे ये इस तरह से आप कोन का ड्रिल कर सकते हैं। बहुत इजी है। मैं घर में ही इसको प्रैक्टिस करा रहा हूँ अभी लॉकडाउन के कारण। बहुत इजी और बहुत इम्पोर्टेंट ड्रिल है। हर बच्चे को या बड़ा भी हो तो इस ड्रिल को करके अपना जो है ड्राइव सुधार सकता है। उसके बाद आता है स्टेशनरी ड्रॉप ड्रिल। ये आप देखिए, उसके सामने से बॉल को ड्रॉप करके उसको ऐसे करके सिखा सकते हैं। ये छोटी छोटी जो बातें हैं बहुत इम्पोर्टेंट है। इसको हर किसी को कम से कम 50-60 बॉल इस तरह से डेली हर ड्रिल में आप इनको सिखा सकते हैं। उसके बाद कम से कम 5 से 10 मीटर के गैप से आप अंडर आर्म जो है इसको प्रैक्टिस करा सकते हैं। कम से कम 100-150 बॉल आप डेली इसको इस तरह से करा सकते हैं हर ड्राइव में। धीरे धीरे इसी तरह से बच्चों का गेम डेवलप होता है और आगे जाकर काफ़ी फ़ायदा मिलता है इन छोटी छोटी चीज़ों का। बेसिक बहुत इम्पोर्टेंट है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट, बल्ले का जो हम बल्ला अक्सर बल्ले बच्चे जो हैं बल्ले को टेढ़ा पकड़ते हैं, उसके बल्ले को सीधा करने के लिए ऐसे दो स्टंप के बीच से उसको बोलिए कि ऐसे बैट को निकाले, तभी उसका बल्ला एकदम सीधा आएगा। चाहे कोई भी ड्राइव आप खेलें उसमें ये पक्का कराएं, कवर ड्राइव खेलें, ऑन ड्राइव खेलें, स्ट्रेट ड्राइव खेलें, इस तरह ये थोड़ा बड़ा स्टेम है बच्चों के लिए और इसका आधा करके हम करा सकते हैं। ये देखिए, इसका हल्का सा टच हो रहा है बल्ला, इसका मतलब है कि इसका बैट टेढ़ा आ रहा है, तो इसको इसमें सुधार करना है। ये देखिए, उसका बल्ला टच हो रहा है, इसका मतलब इसमें हल्का सा ये गलत खेल रहा है। ये देखिए, अभी हल्का सा उसका बल्ला ठीक आ रहा है। इसको अगर रोज़ रोज़ प्रैक्टिस कराने से ये चीज़ें हमारी सही होंगी। हमको बॉल खेलने में सीधे पता नहीं चलता कि हमारा बल्ला टेढ़ा जा रहा है, लेकिन इस तरह से आपको पता लगेगा कि बच्चे का बल्ला टेढ़ा जा रहा है। आप बहुत आसानी से इसको घर में करा सकते हैं प्रैक्टिस। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, अगली बार फिर मिलेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।